कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खातिर मार्केट के बारे में, आज जानेंगे विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू मार्केट में आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड घरेलू मार्केट में आज लोकल मिलों में देखा जा रहा है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होलसेल में क्या कीमतें देखी जा रही है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो विदेशी बाजारों में वैश्विक सप्लाई की बढ़ती चिंता की वजह से कल CBOT सेयर कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। रूस द्वारा यूक्रेन के अनाज टर्मिनल्स पर हमले की खबर की वजह से बाजार ने मजबूत प्रतिक्रिया दी है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण CBOT सोया तेल 3.5 रुपए प्रति किलो बढ़कर बंद हुआ। और साथ ही खबरें हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच मौजूदा स्थिति बनी रहेगी तब तक बाजार मजबूत रहेगा, लेकिन बातचीत की कोई भी खबर बाजार का रुख पलट सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ कारोबार करने की सलाह हम आपको जरूर देंगे। और साथ ही आज के विदेशी बाजार के बारे में बात करते हैं। तो रूस यूक्रेन से नई प्रतिक्रिया के इंतजार में केल्सी में हल्की नरमी दर्ज करी गई। हालांकि मलेशिया पाम तेल निर्यात बढ़ने और CBOT सोया तेल में कल की मजबूती के चलते केल्सी में निचले स्तर से काफी ज्यादा रिकवरी की उम्मीद नजर आ रही है। सन ऑयल की डिमांड सोया में शिफ्ट होने की उम्मीद से अर्जेंटीना सोया FOB 905 प्रति टन अधिक बढ़ा है, और अर्जेंटीना सोया तेल बेसिस में भी काफी ज्यादा अच्छा सुधार देखा गया है। मलेशिया पाम तेल के मिले जुले फंडामेंटल और रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के चलते केएलसी अपने उच्चतम स्तर को फिर से आजमा सकता है। यदि केएलसी 4250 का प्रतिरोध तोड़ता है, अगर 4250 के रेजिडेंस लेवल से ऊपर निकलता है तो तकनीकी आधार पर इसका अगला लेवल 4500 रिंगिट तक भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पॉजिटिव सेंटिमेंट को देखते हुए भारतीय मार्केट में आज खातेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो लोकल मिलों में 15 से लेकर 20 रुपए पर किलोग्राम तक की बढ़त आज दर्ज करी गई है। 15 किलोग्राम के रेट के बारे में बात करते हैं तो बावर्ची में वनस्पति में 15 किलोग्राम का रेट 1710 है, और पामोलिन में 15 किलोग्राम की कीमतें, टिन की कीमतें 1535 चल रही हैं। 1 लीटर टिन का रेट 93 रुपए बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बावर्ची सोया ऑयल में 15 किलोग्राम का रेट 1655 है, 1 लीटर सोया ऑयल का रेट बावर्ची में 101 रुपए देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में 15 लीटर कीमतें 1660, 1 लीटर फॉर्च्यून का रेट 118 है। बेस्ट चॉइस में स्वेरिफाइन में 1 लीटर का रेट 102 है, पॉमलिन में 1 लीटर का रेट 92 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड कीमतें 96 रुपए हैं, सोया ऑयल का रेट 103 है, सोया ड्यू कीमतें 101 है, मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 114 चल रहा है, एक्सप्रेस कीमतें 112 है, पॉमलिन में आप 94 रुपए का रेट बाजारों में आप यहाँ से लेकर चल सकते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है, और विदेशी बाजारों का आप एक अच्छा सेंटिमेंट मार्केट में लेकर चल सकते हैं। मार्केट में फिलहाल तो तेजी है, लेकिन आने वाले समय में और रूस और यूक्रेन की खबर की वजह से किस तरह से बाजार देखा जा सकता है, इसी वजह से हम आपको बाजारों में सावधानी से व्यापार करने की सलाह देंगे। बहुत ज़्यादा गिरावट पर खरीदारी ना करिए। यूक्रेन द्वारा रूस पर बड़ा हमला करने से कारा सागर बंदरगाह ने भी काफ़ी सख्ती बढ़ा दी है, और खातेलों की वैश्विक आपूर्ति तंग होने की आशंका से सोया पाम वायदे में भी तेजी देखी जा रही है। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव देखा गया है, हालांकि बाजारों में आप जरूरत के हिसाब से यहां से व्यापार करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर अगर आपको अच्छा लेवल मिलता है तो आप टाइम आने पर यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके जरूर चलिए। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।